इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक ज्वेलर्स की दुकान में अज्ञात बदमाश सोने की अंगूठी से भरा बॉक्स चुराकर फरार हो गया था, जहां पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 1 आरोपी नाबालिग है। पूरा मामला इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां सुभाष नगर स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान में अज्ञात चोर सोने की अंगूठी खरीदने के बहाने दुकान में घुसकर वहां बैठी महिला से पहले उसने सोने की अंगूठी दिखाने के लिए कहा। जब महिला द्वारा एक सोने की अंगूठी से भरा बॉक्स निकालकर बदमाश को दिखाया जा रहा था, उसी दौरान बदमाश ने सोने की 10 अंगूठी से भरा बॉक्स हाथ में लिया और मौका पाकर वहां से रफू चक्कर हो गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने 3 आरोपी गौरव चौहान, सत्यम चौहान सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार कर सोने की अंगूठी से भरा बॉक्स और एक 2-व्हीलर वाहन बरामद कर लिया है। इसी के साथ चोरी के सोने के आभूषण खरीदने वाले सुनार अंशुल सोनी को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस द्वारा अन्य चोरियों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। थाना परदेशीपुरा में कुछ दिन पहले जो है एक ज्वेलरी की शॉप पे एक लड़का आया था। उसने ज्वेलरी देखने के बहाने जो है उसने बॉक्स निकलवा के फिर वो जो है तुरंत जो है जैसे ही इसका मालिक का ध्यान हटा और वो तुरंत जो है बॉक्स लेकर फरार हो गया था। उसमें जो है 3 लोगों को पकड़ा गया है। उसमें से मुख्य आरोपी जो है इसमें गौरव सिंह और सत्यम सिंह हैं। ये जो है यहीं के रहने वाले हैं, इंदौर के रहने वाले हैं और एक इसमें नाबालिग आरोपी भी है। तो इनको पकड़ा गया है, इनसे सभी पूरा माल बरामद कर लिया गया है और इनसे अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पहले भी कर चुके थे सर, और पूछताछ जारी है और हमें लगता है कि पहले भी घटना करी होंगी। बहुत